गोहीपुरा कुलन गुंड में पीने के पानी की किल्लत के बाइस लोगों को सख्त मुश्किल दरपेश हैं। जीरीपुरा कुलन गुंड के लोगों ने बताया कि बस्ती में गुज़श्ता 8 रोज से पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन नदी नालों का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि यहां मौजूद टैंकी में गुज़श्ता कई सालों से मलबा जमा है, जिसको निकालने के लिए महकमा कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि रवा बरस जल शक्ति महकमे ने कई घरानों का एग्रीमेंट भी किया और इसके बावजूद भी मुकामी बस्ती में पीने के साफ पानी की किल्लत है। मुकामी लोगों ने जिला तरक्या कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल से इस सिलसिले में जाती मुदाखलत की अपील की है। गुजारिश ये चीज अस रोजान गुईपोर यस ये 15 वर्ष पे टैंकी बनमत गुदस तमाम टैंकी ये पाइप सोद आम लागन कह आज 5 वर्ष पे वाल फुटमुत 5 वर्ष पे आई वाल यूज अर्न कह मुलिम कैजल मुलिम बिचार तमाम दोह दिश ड्यूटी मगर सामान तिमन मिलान बिचार कह यह हागनाडस मजन यह फरावस मजन गुलाम रसूल ये सुपरवाइजर तो बार बार तमिस कर गुजारिश ये सोच यह सामान यह कर ठीक यह वंद सीजन इन वोल चलो रेत कालस मे हाँ मगर आज हे गई अत लगे सरस टैंकी गई आज 8 वरी सफाई करना से 10 फुट टैंकी वे 4 फुट टोटल अत मजन ओर आन वनस आब जमा तो ओरन गामन यह चोरन गामन गा सप्लाई ये टैंकी तो यह अस गो 10 वरी पे वन अतो छत अंद कुल अजे हून तो पेट खसान तम अत मे त्रेशन तो पसान तवान बन कैनत तो बहरहाल गो अ 10 वरी पे वन यी सोत वज आई तमाम डिपार्टमेंट दोवुक फूरी तौर कर एडमिट ये बिचार नबर कह नलको लगित अंदर कह नलक लगित नबर नलक तमिस तक एग्रीमेंट कर तमिस तो बिल बर मेहरबानी कर गुजारिश कर दू ये छत बे कर तो ये पाइम पाइप 10 वर्ष पे 6 वर्ष पे वाल फुटमुत कैजल मुलिम बिचार सुबह शाम ताम तमिस अंदान ये बिचार कह ना सामान ना कह चीज सो कर क्या बिचार हुपर तमिस ना तनखा ना कह चीज तोत सू बिचार ड्यूटी दिवान यम बड़ अफसर यम 50-50, 60-60 साल रुपये तनखा दिवन तम गि बिहित इन थम बिचार जिंदगी फजूल पुना हो शपात तो योर तपात। अस्सलाम वालेकुम जनाब रोजान गुईपार पेठन अस मसल ये मान सदन टैंकी यह मान त्रेन गामन सप्लाई अमी सामान टैंकन गुजारिश कर यह कि अस करे पत्मी लटि तो मान वर्ष गए इन वन दी तो इन टैंकन फेंसिंग अस कर तुम टैंकन सफाई वनकस टैंकन मे आब यह लूड त्रावान ओर आंश आब टोटल अस गो पत्मी लटि तो वो इन तुम करू इन टैंकन करू सफाई मस आए एग्रीमेंट कोरुक दोपुक एग्रीमेंट बाद ये डी सी सोबस नी पता अम सा तमिस तो फोन कोरमुत वनकस डी सी अस गांदरबल पत्मी लटि तमिस तो फोन कर तुम तुम करू तुम करू एग्रीमेंट आपके 10 दिन के बाद आपको सफाई भी हो जाएगी और इसका ये फेंसिंग भी हो जाएगा टैंकी का, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है। हम यही गुजारिश करना चाहते हैं जो ये कि हमारी ये जो टैंकी है इसी इसमें आप यहाँ पे सामान दे दीजिए और जो भी है यहाँ पे फेंसिंग है या टैंकी की सफाई है तो अभी तो हो नहीं सकती है वो, तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि उसकी इसका पूरा ये इजाफा करें। मैं शकील अहमद फामड़ा हूँ जनाब गुईपारा से। हमारी जनाब यहाँ टैंकी बनी हुई है तकरीबन पिछले 8-10 साल हो गए इसके बनाए हुए। इसका जो पानी है वो 3 गांवों को सप्लाई हो रहा है जनाब। तो अब इसकी मतलब फेंसिंग थी और टैंकी जो है वो खासकर दरख्तों के बीच में बनाई हुई है। इस दरख्तों के जो पत्ते मतलब गिरते हैं वो टैंकी में चले जाते हैं और उस जिसकी वजह से मतलब टैंकी का मतलब जमा हो जाते हैं, उसमें पानी सप्लाई पूरा नहीं देता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट से जनाब गुजारिश है कि कम से कम इसकी सफाई और फेंसिंग की जाए ताकि पत्तों से भी बचे और गांव के जो लोग हैं वो आराम से मतलब इसका पानी इस्तेमाल करें।